चाहिए इन लोग का ये जाने के लिए जगह पर कहिए ना जगह पर जाने मैं दे रहा हूँ उनको कहिए ना आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय फिर संसदीय कार्य मंत्री जी बीच बीच में उठ जाते हैं जरूर सुनिए पूरी असत ये बात रखते हैं सदन के अंदर लेकिन सदन की मर्यादा कर रही सरकार की बात ये सुनेंगे आप पूरी बात हमारी आसन सुनिश्चित करें पूरी बात मैं आपको महोदय आप प्रेसिडेंट से गाइड नहीं होंगे आप गाइड नहीं आप गाइड होंगे आप अपना बात कहिए आसन की मर्यादा है सरकार आसन को नहीं चला सकता है आपको भी मैं कहूंगा कहने के लिए आपके आसन को सरकार नहीं चला सकता है कभी आपके कहने से भी आसन गाइड नहीं होगा नहीं आसन की मर्यादा है आपके कहने से भी आसन गाइड नहीं होगा महोदय आप पढ़िए संसदीय कार्य मंत्री असत्य कह रहे हैं कहां गया इजराइल आपने कभी किसी विषय का संज्ञान नहीं लिया महोदय आज हम कह रहे हैं महोदय ये सदन पूरे बिहार के शांति विधायकों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है इनके बाद सरकार भी जवाब देगी और इनको सुनना होगा पूरी बात मेरी सुन ले मैं सुनूंगा लेकिन अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह है अध्यक्ष महोदय कि नेता प्रतिपक्ष की बात पूरी होने के पहले माइक बंद कर देना संसदीय कार्य मंत्री को उठाना ये लोकतंत्र की परंपरा स्वस्थ परंपरा नहीं है आप ये गलत है कहीं माइक बंद कोई नहीं करता है महोदय सारे प्रेस मीडिया के लोग बोलता है आसन जिनको इजाजत देता है और जो बोलता है उसके माइक चालू किए जाते हैं महोदय आज हम पूछ रहे हैं महोदय कि डॉक्टर का अपहरण हुआ 33 दिन से ज्यादा हो गया महोदय उसके सारे परिवार कल आकर के रो रहे थे न्याय चाहिए सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही है महोदय इजराइल मंसूरी के द्वारा जो सानी के बच्चे का हत्या हुआ क्यों सरकार जवाब दे नहीं रही है अब हत्या हुआ है महोदय जवाब देगी आप लोग महोदय नरसंहार हुआ सरकार का उस पर भी जवाब नहीं है महोदय विशेष कमेटी का रिपोर्ट MKCL का उसका प्रतिवेदन भी सभा पटल पर नहीं रखा गया सरकार का जवाब नहीं है महोदय आज जहरीली शराब के मामले में सरकार कही थी कि हम विचार करेंगे मुख्यमंत्री ने उच्च सदन में यहाँ भी घोषणा किए थे कि वह अनाथ बच्चे और उस विधवा का क्या दोष है उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया महोदय आज बालू माफियाओं के द्वारा जिस तरह से गोलियों की बौछार की जा रही है और जिस तरह से महोदय पुलिस को खदेड़ खदेड़ कर पीटा जा रहा है पूरा बिहार नहीं देश देख रहा है महोदय सरकार को उस पर भी जवाब देनी चाहिए आज महोदय वरीय पदाधिकारियों द्वारा बिहार के सत्ता के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर भी सरकार की जवाब नहीं है महोदय मंत्री इजराइल मंसूरी पर कागज लिया गया मुकदमा क्यों नहीं किया गया महोदय इसलिए शिक्षकों का नियोजन का मामला है अभियंताओं की नियुक्ति का मामला है बिहार में बेरोजगार युवकों को रोजगार का मामला है विभिन्न आयोगों संवैधानिक संस्थाओं के चहेते भ्रष्ट पदाधिकारियों को हटाने से संबंधित विषय था सरकार किसी भी विषय पर सदन में जवाब नहीं दी महोदय आज अंतिम दिन है आसन से निर्देश हो कि ये सरकार इन विषयों का जो विपक्ष के द्वारा बिहार की जनता के ज्वलंत समस्याओं को उठाया गया सरकार उस पर अपना जवाब दे महोदय और अंत में कहेंगे महोदय कि वर्तमान सरकार को अपराधियों भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने का और बचाने का बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का हिंदुओं के निर्दोष लोगों को आप जेल में बंद करते हैं आप दंगाइयों को बचाते हैं ये खेल कहीं नहीं चलेगा महोदय सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग सरकार ये नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है आपका अपना स्पष्ट इसके संबंध में आप अपना स्पष्ट
विचार आप दें। महोदय आप देखिए बैठाइए ना, चलिए। महोदय महोदय ये आपने मंत्री बोल रहे हैं, आप सुनिए, ये सरकार जवाब दे रही है। महोदय ये सदन साक्षी है और आसन भी साक्षी है कि आप नहीं बैठिएगा, आप नहीं बैठिएगा, निकाल बाहर करो, कि इनको जवाब से कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ अपनी बात कहकर सदन में अव्यवस्था फैलाते हैं। देखिए देखिए जरा देखिए महोदय, अरे सुरक्षा कर्मी आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, नेता प्रतिपक्ष के बातों को सुना गया है, अब सरकार के बात को भी आप लोग सुनिए, सरकार के बात को भी सुनिए, सरकार के बात को भी सुनिए, आप सरकार के भी बात को सुनिए, नेता प्रतिपक्ष के बातों को हुआ है आप सुनिए। महोदय हम तो यही कह रहे थे कि इनको जवाब में कोई रुचि नहीं है, जब सरकार कुछ कहने को खड़ी होती है तो ये अव्यवस्था फैलाते हैं, और ये आज की बात थोड़े है। महोदय आपने पूरे सत्र में देखा है कि कोई बात कह देंगे अव्यवस्था फैलाएंगे, और सरकार के कहने की बारी आएगी तो बाहर चले जाएंगे, यही तो इनका रवैया रहा है। आखिर नेता प्रतिपक्ष ने जो तमिलनाडु का मामला उठाते हुए कहा था कि अगर गलत होगा तो हम माफी मांगेंगे, उसका क्या हुआ? तमिलनाडु के मामले पर 2 दिन सदन की कार्रवाई नहीं चली थी, और अंत में क्या निकला महोदय? इसलिए सरकार पिछले पूरे सत्र में जो भी मामले विधिवत उठाए गए हैं सबका सरकार ने जिम्मेदारी से जवाब दिया है, जिसमें विपक्ष की कोई रुचि नहीं है, वो सुनते नहीं है, वो उनकी समस्या है, और वो भी जनता देख रही है, जो ये सदन में क्या क्या करते हैं ये भी जनता बहुत देख रही है, इसलिए सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी पूरी तरीके से मुस्तैद और सफल रही है। माननीय सदस्य उदय यादव, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, आप अपना आप कौन आचरण कर रहे हैं, क्या बात है? अध्यक्ष महोदय, तो स्थिति यह है कि जहानाबाद संसदीय व्यवस्था में यही पढ़ाई आपको कराई गई है, यही पढ़ाई है, जनता ने आपको ढोल बजाने के लिए भेजा है कि अपने समस्या के निदान कराने के लिए ढोल बजाना है, तो अपने क्षेत्र में जाकर के आप खूब ढोल बजाइए। बोलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि जहानाबाद जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल जाफरगंज एवं वार्ड नंबर 19 बाजार के बीच
दरगाह नदी पर फुट ब्रिज निर्माण हेतु तकनीकी सहायता प्राप्त कर अग्रेसित कार्रवाई की जाए। माननीय सदाश्री झारूल हुसैन अध्यक्ष महोदय और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब फुट ब्रिज का डिमांड है महोदय, और बरसात के दिनों में पूरे जाफरगंज के आवाम को काफी परेशानी होती है महोदय, इसीलिए हम सरकार से आग्रह किए थे कि वहाँ पे फुट ब्रिज बना करके और जाफरगंज के लोगों को सुविधा प्रदान करें महोदय। सरकार नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अपने जवाब में दिया है। आप अध्यक्ष महोदय एक मिनट, ये लोग महोदय पूरे बिहार में दंगा करा करके और सदन में आके शांति का संदेश दे रहे महोदय, और सबसे बात है कि ये लोग हिंदू के ठेकेदार हैं जिसके नाम से महोदय आप कीजिए। जवाब सरकार ने दे दिया है। अब हारून हुसैन आप पूरा पूछे। पूछता हूँ सर। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत कोठिया प्रखंड के कोलथा पंचायत में पीपल डांगी मरिया वार्ड नंबर 11 में 15वीं वित्त योजना से वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचायत समिति सदस्य के द्वारा चेक। तो बिहार में कानून व्यवस्था फेल हो चुका है, साजिश के तहत बिहार में हिंसा हुई, ये नेता प्रतिपक्ष का सदन के अंदर कहना था और सरकार की तरफ से जवाब की मांग की जा रही है। तो बिहार विधानसभा में क्राइम की तमाम घटनाओं सहित जो बिहार में भी हालिया दिनों में हिंसा हुई है उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। तो अलग अलग मसलों को लेकर बीजेपी जो है पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आई कि नीतीश कुमार सरकार के संरक्षण में किस तरीके से भू माफिया अपराधी और दंगाइयों का बोलबाला है, और ऐसे में कानून व्यवस्था जो है राज्य की पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो कि सीधे तौर पर स्पष्ट करता है कि जंगल राज पार्ट 2 का एक बार फिर से वो माहौल बन गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल कई मुद्दों पर बीजेपी ने यहां पर नीतीश सरकार को घेरा है, और सबसे बड़ी बात जो हिंसा हुई बिहार में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के समय, उसको लेकर के ये कहा गया है कि नीतीश सरकार दंगाइयों को बचाती है, यहां पर कानून का राज नहीं है, ये बातें कही गई है और नीतीश सरकार को जमकर कोसा गया है। इसके अलावा अवैध शराब का मुद्दा भी उठा जिसमें जाने गई थी, तो कई मुद्दों पर यहां पर घेरा गया है जिसमें जबरदस्त सदन में हंगामा होता हुआ नजर आया। सीधे दो टूक आखिर में ये कहा गया नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कि कुछ हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई है और दंगाइयों को बचाया जा रहा है, दंगाइयों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस सवाल को लेकर जवाब देना होगा सरकार को। अब सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है लेकिन अभी तक कुछ ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे विपक्ष शांत हो सके। तो बिहार में हिंसा पर नीतीश कुमार की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें कहा गया है कि बिहार में हिंसा की जांच जारी है, जल्द हिंसा का सच सामने आएगा। बिहार के दो जिले नालंदा और सासाराम जहां पर सांप्रदायिक हिंसा भड़कती हुई नजर आई थी उस पर नीतीश कुमार आश्वस्त करते हुए। सब चीज कंट्रोल हुआ और एक एक आदमी से पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है, तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना ये सब किया गया, एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहाँ करवाया है और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए? बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, अब उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत, तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। लगाया था कि ईरान ने अपने समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों को ड्रोन दिए हैं और ऐसा ही एक ड्रोन इजराइल की सीमा के पास भी भेजा गया,
क्योंकि ईरान इसराइल से अपने दो सलाहकारों की मौत का बदला लेना चाहता है और उसने ताल ठोक कर यह कह भी दिया। ईरान ने धमकी दी है कि वो